आपने बोला है बाबा के प्रजा के लिए, बाबा की प्रजा है ये थोड़ी बताया, बाबा की प्रजा तो बताया, शब्दों को बदल देंगे। जो कुछ पढ़ते हैं जो सुनते हैं उसको ज्यों का त्यों बोलना चाहिए या बदल के बोलना चाहिए, यही तो गड़बड़ी होती है। मुरली में बोला है बाप की प्रजा भी है, बाप के वारिसदार भी हैं और बाप के भक्त भी हैं। वो कौन से बाप के होंगे, हैं तो दो बेहद के बाप, लेकिन भक्त और प्रजा बनाने वाला बाप कौन है? साकार है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, बेहद का बाप, उस बाप के लिए बोला गया, बाबा के लिए थोड़ा ही बोला। शिव बाबा, शिव बाबा प्रजापिता को कहेंगे या शिव बाबा को कहेंगे? किसी को कहते हुए सुना राम बाबा? है राम बाबा कभी नहीं कहेंगे। जहाँ राम का नाम आएगा तो कहेंगे राम बाप, कृष्ण बच्चा। माना बाबा अलग है, साकार का नाम है, और वो भी बाबा। हम और कोई आत्मा को नहीं समझते हैं क्या? हम सिर्फ शिव को ही बाबा कहते हैं, शिव बाबा। और शिव बिंदु है, बाप है आत्माओं का, फिर भी हम उसे बाबा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो जब साकार में बिंदु प्रवेश करे तो हमारा बाबा बनता है। और तीव्र योगी, तीव्र ज्ञानी। हाँ क्या मतलब? अरे तीव्रता से ज्ञान धारण कर ले तो तीव्र ज्ञानी आए बाद में, क्या लास्ट में आए और सुनने और सुनाने, समझने और समझाने, धारण करने और धारण कराने में तीव्र हो जाए तो क्या कहेंगे? तीव्र ज्ञानी कहेंगे। हाँ बाबा अभी मुर्गी में क्लास में बोल रहे एक को वर्षा नहीं मिलता, एक को वर्षा नहीं मिलता, एक को एक का वर्षा नहीं मिलता। हाँ यहाँ तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, यहाँ सन्यासियों का वर्षा होता है या प्रवृत्ति मार्ग में गृहस्थियों का वर्षा होता है? गृहस्थियों का वर्षा होता है। माँ बाप जोनों का बच्चा हो तो वर्षा मिले, और सन्यासियों का क्या वर्षा होगा? सन्यासियों में तो बच्चे ही नहीं होते हैं, वर्षा कहाँ से आवेगा? हैं कुमार है, उनके माँ बाप नहीं है क्या? हद में भी माँ बाप हैं, बिना माँ बाप के कहाँ से पैदा हो गया? और बेहद में भी माँ बाप हैं, बेहद में माँ बाप हैं या नहीं है? हैं? और बाबा मुरली ने बोला है कि ये चित्र जो रेमेज बच्चे की इन्वेंशन है, रेमेज बच्चे की इन्वेंशन है। जो छोटे छोटे चित्र बनाए हैं 30 बाई 40 इंच के तो पहले ही बन गए, साक्षात्कार से बाबा ने बनवाए, लेकिन बाद में जो छोटे छोटे चित्र बनाए हैं, ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, वो रमेश बच्चे का इन्वेंशन है। हाँ बोल तो बोला बाबा पास करेंगे, लेकिन बाबा ने सीरीज छोड़ दिया। तो अभी एडवांस पार्टी के अंदर जो सूर्य योजना है, पुस्तक छपे है, पुस्तक छपे एडवांस पार्टी के अंदर, एडवांस पार्टी के अंदर चित्र छपे नहीं, पुस्तक के अंदर चित्र छपे, बाबा ने पास किए। एडवांस पार्टी में चैतन्य चित्रों की बात है या जड़ चित्रों की बात है? वो जो जड़ चित्र छपाए जाते हैं एडवांस पार्टी में, वो दुनिया वाले भी ज्ञान में आते रहते हैं, जो ब्राह्मण बने ही नहीं है वो ज्ञान में आते रहते हैं, उनको समझाने के लिए है। जो समझदार हैं उनको चित्रों की क्या दरकार? क्या समझदार आदमी को बिना चित्रों के समझाएं तो नहीं समझ जाते हैं? समझ जाते। तो उन जड़ चित्रों की बात नहीं है एडवांस में, कैसे चित्रों की बात है? चैतन्य चित्र जो बेहद का रमेश है, रमेश माना रमा ईश, रमा माने पार्वती और ईश माना स्वामी। रमा का ईश कौन हुआ? शंकर। वो ढेर के ढेर चित्र तैयार कर देता है, चैतन्य चित्र तैयार करता है। वो छोटे छोटे चित्र होते हैं, बड़े बड़े चित्र हैं 8। हाँ तो मन के जो है युगल राग दिखाए हैं, युगल मन के, और जो 8 दिखाए हैं उन लोगों के ऊपर क्या है? रुद्रमाला में सब निवृत्ति में है या प्रवृत्ति में है? रुद्रमाला सब पुरुषों की माला है। क्या बच्चे हैं उसमें? बच्चियां नहीं है। शिव की माला है, बाप की माला है, विष्णु की माला नहीं है प्रवृत्ति मार्ग वाले की। और बाबा मुरली में बोला है आत्माएं 4 आवर्स का उसे पता होती है, वो तो अगर आत्माओं की आवर्स का देखकर पता चल जाता है। वैसे मुरली ने ये भी बात बोली है कि ज्ञान भी 4 आवर्स का उसे पता होता है। ज्ञान को संगमित में चाहे ब्रह्मा के द्वारा सुनाया जाए या चाहे प्रजापिता के द्वारा सुनाया जाए, वो तो एक बात से आता है, तो वो कैसे 4 आवर्स का उसे पता होगा? ज्ञान पहले चीज जो आती है वो थोड़े लोगों को सुनाई जाती है, ज्यादा को सुनाई जाती है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आए, उन्होंने थोड़ों को सुनाया या बहुतों को सुनाया? थोड़ों को सुनाया। उन थोड़ों ने फिर औरों को सुनाया, तो फिर बहुत हुए, फिर उन बहुतों ने और बहुतों को सुनाया। तो बात जो सार रूप में थी वो क्या होती जाती है? फैलती जाती है, विस्तार होता जाता है। माना जो असली सुनाने वाला है और असली सुनाने वाले से साकार में सुनने वाले हैं वो बहुत थोड़े, और फिर सुनने वालों से सुनाने वाले वो बढ़ते जाते हैं उनकी संख्या। तो ज्ञान का जो वाइब्रेशन है वो बिगड़ता जाएगा या सुधरता जाएगा? बिगड़ता जाएगा। इसलिए बोला। और एक बात जो पूछ रहा है उसको हल होने। हाँ हो गई बात। लेकिन बाबा वो तो हो गए धर्मपिताओं के ज्ञान की बात, धर्मपिताओं भी नहीं, बाप की भी बात यही है। लेकिन आगे तो बाप साकार में ज्ञान सुना रहे हैं ना? सुना रहे हैं, लेकिन सब संपर्क में संसर्ग में एक जैसे आ रहे हैं क्या? कि 8 ही ज्यादा आ रहे हैं? 8 ही ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन जो 8 भी है उनके ऊपर दुनिया का संग का रंग कुछ न कुछ असर करेगा या नहीं करेगा? करेगा। भले उनके ऊपर इतना थोड़ा असर करता है कि आखिरी में जाकर के माया उनको पकड़ लेती है, और औरों को पहले ही पकड़ लेती है। इसलिए बोला कि ज्ञान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर ततो सामान्य, रजो और तमो हो जाता है। और 8 सागर शरीर से बाबा की ज्यादा संलग्न में आ रही है। अध्यक्षवाणी में पिछली साल बोला कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप ने दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। किससे बोला? 100 से बोला कि 1000 से बोला कि 16000 से बोला या 4 करोड़ से बोला? अष्टदेवों से ही बात करते हैं 2-3 साल से, औरों से तो इतनी बात ही नहीं होती है। और उन्हीं के लिए बोला कि उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, तो जो आना जाना करते होंगे वो ही संग के रंग में ज्यादा होंगे और भी होंगे। हाँ प्रैक्टिकली की बात है। और बाबा ठीक है, जो इशारे से समझे तो देवता, बार बार कहने से समझे तो मनुष्य। भाई कोई बात बोलता है, उस बच्चा बोल रहा है कुछ, बच्चे की भाषा को सबसे पहले कौन समझ लेता है? माँ समझ लेती। इससे क्या साबित हुआ कि वो दोनों आत्माएं एक दूसरे के ज्यादा नजदीक है। बाबा भी कहते हैं क्या हो जाओ, मन मना भव हो जाओ, जो मेरे मन में सो तुम्हारे मन में हो जाए। जो मैं संकल्प करूं वो ही संकल्प तुम्हारे अंदर चले। तो बोलने की दरकार रहेगी? बोलने की दरकार ही नहीं रहेगी। और छोटे काम में आने के बाद हमारा मन कर कि बट्टी नहीं होगी क्या? बट्टी तो अंदर तक चली। वो छोटी माँ है, छोटी माँ है शहद की रानी, मक्खियों की रानी है। और शहद की मक्खियों की एक रानी आती है तो पीछे पीछे सारा झुंड आता है। माना यूनिटी आती है या यूनिटी बिगड़ती है? यूनिटी आती है। तो जहाँ यूनिटी आएगी वहाँ प्योरिटी का संगठन होगा। और राजाएं ज्यादा प्योरिटी वाले रहे हैं या रानियां ज्यादा प्योरिटी वाली रही है? हैं? रानियों ने जन्म जन्मांतर प्योरिटी धारण की है और राजाओं ने जन्म जन्मांतर प्योरिटी गंवाई है। भारत के राजाएं तो ढेर की ढेर रानियां रखते रहे और रानियों ने तो पवित्रता के लिए अपने शरीर को भी अग्नि में स्वाहा कर दिया ताकि मुसलमान या क्रिश्चियन हमारे शरीर को हाथ भी न लगा सके। तो जहाँ प्योरिटी इकट्ठी होगी वहाँ रुद्रमाला एकदम पहुंच जाएगी। पहले तपस्या करो शांति राम में। हाँ बाबा शूटिंग कैसे होती है? राजा हजार रानियाँ राजा इतनी सारी रानियाँ रखती है तो शूटिंग कैसे होती है? अभी शूटिंग दिखाई नहीं पड़ रही तुम्हें है? हाँ संकल्पों से इसको याद किया, उसको याद किया, उसको याद किया, उसको याद किया, वो याद आया, आता ही रहा, आता ही रहा। तो शूटिंग नहीं हो रही। ब्रह्मा के संकल्पों से शूटिंग हो सकती है। संकल्पों से सृष्टि रची जाती है तो ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाती है, रची जाती है। रानी आने के बाद फिर दिल्ली में सब वही होंगे क्या? के जो राजा है वो ही होंगे। रानिया जब आएगी तो राजा है वहाँ ही होंगे क्या दिल्ली में? जो नई सृष्टि शुरू होगी, नई सृष्टि की जब शुरुआत होगी एकदम फर्स्ट क्लास नई सृष्टि होगी ना कि कुछ डिग्री गिरी हुई होगी, 100% सुधरी हुई सृष्टि होगी ना दुनिया की, एकदम सतो प्रधान। तो जो एकदम सतो प्रधान सृष्टि होगी 2036 के बाद जो सतयुग की सृष्टि होगी उससे ऊंची कैटेगरी की होगी या नीची कैटेगरी की होगी? है ऊंची कैटेगरी की होगी। सतयुग में जो राधा कृष्ण की सृष्टि होगी और राधा कृष्ण जिन बच्चों को पैदा करेंगे वो तो दृष्टि के योग से पैदा करेंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण को देखो क्या कर रहे हैं? बचपन से ही स्नेह से, आत्मिक स्नेह से एक दूसरे को देख रहे हैं। वो स्नेह की दृष्टि स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। अब व्यभिचारी दृष्टि, उससे संतान पैदा होगी। दृष्टि स्थूल है या वृत्ति स्थूल है? दृष्टि स्थूल है और वृत्ति अर्थात वाइब्रेशन सूक्ष्म है। तो जो संगम युग में जो पक्के ब्राह्मण तो देवता बन जाते हैं, नर से नारायण बन जाते हैं उनको शरीर के अंगों से मिलने की परवाह रहेगी। फिर रुद्रमाला और विजयमाला मिलने की बात कहाँ से आ गई? जो राजा है उनको सारे माउंट आबू में रहेंगे। अरे तपस्या किसको करनी चाहिए, अपवित्र को या पवित्र को? जो जन्म जन्मांतर अपवित्र रहे हैं सो तपस्या में बैठे, चाहे वो स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो। लेकिन ऐसे भी तो राजा होंगे जो ज्यादा अपवित्र ना हो। हाँ तो वो आना जाना कर देंगे, नहीं तो अष्टदेव की लिस्ट में कैसे आवेंगे? ये है क्या? सिर्फ अष्टदेव ही ऐसे हैं। अच्छा, राधा कृष्ण का जो जन्म होगा वो थोड़ों के बीच में होगा और पक्कों के बीच में होगा, ये थोड़े थोड़े कच्चे होंगे उनके बीच में भी जन्म हो जाएगा। तो कितने हैं पक्के? फिर पुरानियों को शांति राम नहीं आना है। हाँ? 63 जन्मों में सुख और दुख की बात आती है। सत्युग त्रेता की 21 जन्म में तो दुख की बात है ही नहीं। तो क्या 63 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने वाली कोई एक आत्मा होगी नहीं जो सबसे ज्यादा सुख भोगने वाली हो? भले राज प्रजापिता रुद्रमाला में है या विजयमाला में है? रुद्रमाला में है। बड़ा कहावना अति दुख पावना कहा जाता है। तो प्रजा बड़ों में है या छोटा? प्रजापिता बड़ों में कहा जाता है या छोटों में? तो वो तो सबसे जास्ती सुख भोगे, ये हो ही नहीं सकता। महलों में सदाकाल रहे और सब प्रकार के सुख भोगे, वो तो रानियां ही होती हैं। शिव बाबा आए और उनकी मूल आज्ञा क्या है? पवित्र बनो। इस मूल आज्ञा को सबसे जास्ती विजयमाला के मणकों ने फॉलो किया या रुद्रमाला के मणकों ने फॉलो किया? तो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनने में नंबर 2 और पाने में नंबर 1, ये कैसे हो सकता है? अंदर रहना पड़ता है, इसलिए तो रानी है। अगर रानी होते हो भी किसी के अंडर में न रहे तो फिर तो बंदर हो जाए। बाबा, प्रकृति ने माया का स्वागत कर दिया। स्वागत नहीं कर दिया, हाथ मिला लिया, तब बात में बदल देते। हाँ, स्वागत नहीं कर दिया, हाथ मिला लिया। जो बुद्ध रूपी हाथ में मेरे है वो ही बुद्ध रूपी हाथ में तुम्हारे है। मेरे भी बुद्ध रूपी हाथ में है कि मैं इसको उठा के पटक दूं। माया बनती है, माया महामाया बनती है। हाँ, तो माया महामाया बन जाती है जब प्रकृति से हाथ मिला लेती है। तो फिर नाम पड़ता है महारौली। क्या महारौला मचाती है? अभी तक तो रौला ही मचाया है। क्या अभी तो सारी दुनिया में खूब महारौला मचाएगी। किनके लिए महामाया बनती? सबके लिए, आपके अलावा सबके लिए। जो भी पाप कर्म करेंगे उन सबके लिए। अमृत बेला करने के बाद अमृत बेला 4:45 बजे खलास हो जाता है। अमृत बेला 4:45 बजे खलास होने के बाद कोई सो जाता है। अब सोएगा तो 1-2 घंटे सोएगा कि नहीं? हैं? 7-8 बजे तक सोएगा ना। इसका मतलब उसको संगठन की पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, अमृत बेला तो किया खींच खांच के, लेकिन परिवार का साथ, परिवार का सहयोग, परिवार का वाइब्रेशन नहीं लिया। अब तो थोड़ा करो ना। कोई पहलवान कहे कि हम पहलवान बनेंगे और पहले ही दिन 200 बैठकें लगा दे, 200 डंडे लगा दे, तो सारा शरीर टूट जाएगा ना। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओ। पहले 15 मिनट बैठो, फिर आधा घंटा बैठो, धीरे 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 करते करते फिर घंटे 2 घंटे तक ले जाओ। कई बच्चों को ड्यूटी रहती है। हाँ नाइट ड्यूटी। हाँ तो क्या हुआ? नाइट ड्यूटी 24 घंटे रहती है क्या? 24 घंटे रहती है, फिर क्या बात? 8 घंटे ड्यूटी रहती है तो 8 घंटे आके सो जाओ। ऐसे सोना तो योगियों के लिए 4 घंटे के लिए ही बोला है। 4 घंटे की सॉलिड नींद हो जाए तो काफी है। मतलब कि रहने वालों के लिए रात और दिन होता ही नहीं, ये तीव्र पुरुषार्थियों के लिए है। बाबा फुटे ताई एक हफ्ता डेढ़ सौ है। जो सांड होता है ना, गायें होती हैं और गायें के झुंड में एक सांड होता है। बंदर बंदरियों का भी झुंड देखा होगा, उनमें भी एक मोटा ताजा बंदर होता है। तो सदैव देखेंगे वो अलग रहेगा सबसे। क्या फुट टैल फूट के किसी से उसका स्वभाव सदा के लिए, सदैव के लिए मिलेगा नहीं। जिसके साथ काम निकालना होगा बस उसके साथ स्वभाव संस्कार थोड़े समय के लिए मिला लेगा, फिर अलग। ऐसे जो बैल होता है ना, खेती का बैल नहीं, अड़ियल बैल, हाँ, तो उसका स्वभाव ऐसा होता है। किसी से उसका स्वभाव संस्कार मिलता नहीं है। अगर पूरा स्वभाव संस्कार मिल जाए तो फिर जानवरों की दुनिया ही खत्म। और बाबा ने कहा है कि अमृत वेला सारे दिन भर अमृत वेला है, तो नहीं हुई तो दिन भर याद किया तो अमृत वेला हुआ ही नहीं। होती है ना दिन भर याद किया। अमृत वेला एक हद का होता है और एक अमृत वेला बेहद का होता है। हद का अमृत वेला जो है, सूर्य उदय होने से पहले 2-3-4 घंटे का होता है, और जो बेहद का अमृत वेला है, जो बेहद के पुरुषार्थी है, जिनकी बुद्धि में बैठ जाता है पक्का कि अब ज्ञान सूर्य उदय होने वाला है, उनकी नींद ही फिट जाती है। क्या नींद ही फिट जाती है, उनको याद ना आए ये हो ही नहीं सकता। और एक ऐसे पुरुषार्थी भी हैं विलक्षण कि उनके लिए सोते जागते उठते बैठते हर समय अमृत वेला है। उनको ईश्वर और ईश्वर की सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई ही नहीं देता। उनके लिए कहेंगे सदैव अमृत वेला। सृष्टि चक्र में 96 को बेहद का अमृत वेला बताया हमने। सृष्टि चक्र में 96 को बेहद का अमृत वेला बताया। हाँ, इसका मतलब बेहद का अमृत वेला करने वाले वो 4 थे जो सीढ़ी के चित्र में ऊपर दिखाए गए हैं। और बाबा माया घड़ी घड़ी थप्पड़ गिरा के नीचे, थप्पड़ मार के नीचे गिरा देती है, तो तुम जैसे घड़ी घड़ी साइकिल से नीचे गिर जाते हो, फिर उठ जाते हो, ऐसे उठ कर खड़े हो जाओ। हाँ, मुझे तो पता है ये थोड़ी बात आदि से ही चला आ रहा है। हाँ जी, तो और वार्तालाप ये भी बोला है कि बाबा ने आदि ने जो कि आज दादिया है उनकी भी शरीर उनके ऊपर रोए थे, इसलिए वो पीयू का नाम लेने से डरते था क्या? ठीक है, तो वो शरीर के ऊपर रोने की सिस्टम क्या थी आदि में, जिसके कारण वो डरते आज भी। धोबी घाट पे जाता है, कपड़े धोता है कि नहीं धोता है, तो बुद्ध रूपी हाथ से कपड़े पकड़ता है कि नहीं है? यहाँ का धोबी तुम्हें मालूम है ना कौन है, मालूम है ना अच्छी तरह से, मालूम बैठ गया, मालूम है, अरे मालूम है कि नहीं मालूम है, तेरा बुद्ध रूपी हाथ धोबी ने पकड़ा कि नहीं, कपड़ा है, हैं? पकड़ा है आप कपड़े में सटोपे लग रहे होंगे। आदमी भी वही सिस्टम, अंध में भी वही सिस्टम क्यों बदलेगी? सिस्टम जो आदमी में थी वो अंत में भी थी, कपड़े तो धोना ही धोना है। और क्या बोल वाले बोलते हैं कि एडवांस में हमारा नाम निशान नहीं है, एडवांस में हमारा नाम निशान नहीं है। हाँ तो नहीं है तो नई दुनिया में नहीं आवेंगे, अब थोड़ी पुरानी दुनिया में आवेंगे। अगर नया ज्ञान उन्होंने नाम निशान मात्र भी नहीं सुना है, उनका उसमें हिस्सा ही नहीं है, तो नई दुनिया में कैसे आवेंगे? नई दुनिया माना एकदम नई दुनिया में नहीं आवेंगे। हो सकता है ब्रह्मा के साथ आ जाए, हो सकता है ब्रह्मा के बाद वाली पीढ़ियों में आ जाए। और बाबा बोले तुम इधर जाने कर बाबा बोल रहे थे मेरे को, बोले तुम बाबा में जा रहे हो सेंटर में नहीं आने दो, मैं बोली नहीं चले, मैं बाबा रखते खाली बस के बाबा एक बाबा दूसरा ना कोई, और तुम्हारे घर आने वाली भी नहीं। जो निकाल दिया वो निकालना बार बार याद आता है, है ना? इतना याद आता है, इतना दुख होता है कि सबको सुना रहे हैं, हमको निकाल दिया, है ना? ज्यादा दुख होता है ना, हैं? अगर ज्यादा दुख होता है कि हमको निकाल दिया, लेकिन ज्ञानी को दुख होगा या अज्ञानी को दुख होगा? अगर ज्ञानी हो तो वो देखे पूर्व जन्म में कि जरूर पूर्व जन्म में हमने राजा बन करके इनको अपने राज्य से बाहर खदेड़ा होगा। तब इस आत्मा को कितना दुख हुआ होगा। उस समय से शिव बाबा भी नहीं आया हुआ था, है? जो इसके कोई आंसू पोंछ ले। और अभी तो हमको निकाल दिया है, तो हमको शिव बाबा थपाए रहा है, है? हाँ, तो दुखी नहीं होना चाहिए, ज्ञान में रमण करना चाहिए। कोई भी काम होता है, कोई भी बात होती है, उस बात की गहराई में जाना चाहिए। कोई भी समस्या आती है, उस समस्या की गहराई में जाना है। हताश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुख की शूटिंग हो जाती है। और बाबा मुनियों में बोलते हैं ब्रह्मा को याद किया तो कुकोण सोनी बन जाती है, तो क्या हो जाएगा? कुकोण सोनी बोलते हैं ना, याद करने से कुकवंशावली नहीं, ब्रह्मा की गोद को याद करेंगे। गोद माने देह। हाँ जी, अगर अभी बाबा मुनिस चलाते हैं, बाबा हमको बहुत दिल से मिलते हैं, हम बाबा को ही अलग देखेंगे तो कोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुरली नहीं सुनेंगे, बाबा को ही याद करेंगे। बाबा को कैसे याद करेंगे? साकार और निराकार दोनों के मेल को याद करेंगे, तभी तो कहा जाएगा बाबा को याद करेंगे। हाँ हाँ याद करेंगे तभी तो कहा जाएगा बाबा को याद किया। हाँ वहाँ तो बेसिक नॉलेज में तो बिंदु को याद करना सिखाया गया था, ये थोड़ा ही कहा गया था कि ब्रह्मा को याद करो या ब्रह्मा का फोटो रखो, यहाँ तो बात ही बदल गई। हाँ और वहाँ तो मना किया इस साकार का फोटो नहीं रखना है, अगर रखेंगे तो पतित हो जाएंगे, और यहाँ तो पूरी बात ही बदल गई। हाँ और बाबा भगवान भगवती से देवता पैदा हुए तर ऐसे बोला है 2018 में प्रत्यक्ष रूपी संगम रूपी कृष्ण का जन्म होगा 2018 में तर लॉर्ड कृष्ण के रूप में नेक्स्ट टू इज गॉड इज कृष्ण शंकर प्रजापति था तर सतयुग में जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, तो सतयुग कब से शुरू होगा जुड़वा बच्चे पैदा होंगे 2018 में बताए का जुड़वा लक्ष्मी नारायण से जुड़ा बच्चे पैदा होंगे, माता पिता होंगे राधा कृष्ण के माता पिता होंगे। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब बताया 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया, वो कोई बच्चे के रूप में तो जन्म होता ही नहीं। और इस समय जो लक्ष्मी नारायण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं या शंकर पार्वती जी ने कहे या जगत पिता जगदम्बा कहे, वो आत्माएं जो हैं वो जो पार्ट बजा रही हैं उनमें चंद्रमा के रूप में प्रवेश करके कृष्ण की आत्मा पार्ट बजा रही है। वो पढ़ाई पढ़ने वाली है या पढ़ाने वाली है? पढ़ने वाली है। तो जो जब तक बच्चा बुद्धि बन करके गर्भ में पढ़ाई पढ़ रही है ज्ञान गर्भ में, तब तक गर्भ में कही जाएगी या जन्म कहा जाएगा? गर्भ में है, भले एक बार जन्म भी हो गया, लेकिन द्विजन्मा कहा जाता है ब्राह्मण को। दूसरा जन्म भी हो जिसमें ये पक्का हो जाए कि गीता का भगवान कौन। बच्चा बुद्धि है तो वो अपन को ही समझता है, शिवो हम नहीं गीता का साकार भगवान हूँ। लेकिन जब बच्चा बुद्धि से सालिम बुद्धि बनेगा तो फिर प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहा जाएगा। जो राधा कृष्ण है वो भी क्या बन जाएंगे? हाँ वो भी ऐसी योग्य बन जाएंगे तो वो लक्ष्मी नारायण जी की ही आत्मा कही जाएगी, अगर संगम युग में उनकी प्रत्यक्षता न हो राम के चोले के द्वारा। अगर ये प्रत्यक्षता न हो तो द्वापर युग से जो कृष्ण की पूजा होती है वो कैसे होगी? राम की भी पूजा होती है और कृष्ण की भी पूजा होती है, कृष्ण की पूजा कम तो नहीं होती है। तो ये जो पूजा का विस्तार है इससे क्या साबित होता है कि कृष्ण की आत्मा ने पवित्रता का पुरुषार्थ किया है, इसलिए कृष्ण की पूजा है। हाँ और बाबा ये धर्म स्थापक याद नहीं कराए बने। हाँ तो 8 ज्योतिर्लिंगम होने चाहिए, 12 कहाँ से आ जाएंगे? एक शिवा। अरे ज्योतिर्लिंगम का मतलब ये है कि उनमें ज्योति समाई हुई है। कौन सी ज्योति समाई हुई है? सदाशिव की ज्योति समाई हुई है या कोई विनाशी ज्योति समाई हुई है? सदाशिव की ज्योति समाई हुई है, इसलिए 11 रुद्रगण कहे जाते हैं और एक है उनमें प्रवेश करने वाला, वो विश्वनाथ कहा जाता है। सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे जास्ती पूजा किसकी हो रही है? हैं? अमरनाथ में सब नहीं पहुंच पाते। काशी विश्वनाथ गंगे, तो सारे विश्व का वो एक लिंग है जो विश्वनाथ कहा जाता है, बाकी लिंगों को विश्वनाथ नहीं कहा जाता। तो वो जो पहला मुख्य है वो संपन्न स्टेज पाने के बाद अन्य 11 में प्रवेश करता है, इसलिए रुद्रगण 11 कहे जाते हैं। रुद्रमाला कही जाती है, शिवमाला नहीं कही जाती। क्या कहते हैं? रुद्रमाला। रुद्र शिव का नाम है या कोई और का नाम है? हाँ, शिव तो बिंदी का नाम है, वो नहीं कभी बदलता। जब रौद्र रूप धारण करने वाले में प्रवेश करता है तो रौद्र नाम पड़ता है, रुद्र नाम पड़ता है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ानी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाना है। ऐसे नहीं एक साथ हम 2 बजे 1 बजे उठना शुरू कर देंगे। कोई चाहे कि हम पहली सीढ़ी न चढ़े, एकदम आखिरी 12वीं 14वीं जो सीढ़ी है उसमें पहुंच जाए तो कितनी हाई जंप लगाएगा, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नीचे गिर जाएगा। और बोला है कि 9 लाख में पूरी हो जाएगी तो होगा कम्प्लीट, तो स्वर्ग होगा कम्प्लीट, स्वर्ग स्थापन होगा कम्प्लीट स्वर्ग स्थापन होगा। और लेटेस्ट अभी जो आया है सर्टिफिकेशन उसमें बोला है कि सत्यु का जो फल जन्म स्टार्ट होगा, सत्यु का जो फल जन्म स्टार्ट होगा 2036 से, हाँ, तो फल जन्म में आपने उतरती रहेंगी, हाँ, तो एक साथ नहीं आएंगी, हाँ, ठीक है। तो सत्यु का जो फल जन्म के अंतिम क्षण में वो आपने पूरी होगी लोगों को 4.5 लाख उतरने वाली जो जन्म देने वाली है वो उतर आएंगी, हाँ, जन्म लेने वाली भी उतर आएंगी, 9 लाख उतर आएंगी, हाँ। नहीं, जो पुरुषार्थ है बीज रूप स्टेज पाने का वो तो 9 लाख जो है, चाहे जन्म लेने वाले हो, चाहे प्रवेश करने वाले हो, चाहे जन्म देने वाले हो, वो तो सन 36 में ही उनका पुरुषार्थ पूरा होना है। हाँ जी। और वहाँ थोड़े पुरुषार्थ होता है सतयुग में। हाँ हाँ, छोटी मम्मी आने के बाद क्या करेंगे? पुरुषार्थ नहीं करेंगे। छोटी मम्मी कहाँ आने के बाद? बाबा के पास। छोटी मम्मी एडवांस में आने के बाद रुद्रमाला के मणकों का पुरुषार्थ नहीं होगा। देखो, जो युगल मणके हैं प्रवृत्ति में दिमाग में आएगा कि किस जन्म का साथी कौन है, तो हिम्मत और उल्लास बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि पक्का पक्का प्रवृत्ति मार्ग का पुरुषार्थ सच्चा तभी हुआ ना। एक गाड़ी का बैल हो धीरे धीरे चलने वाला और एक हो तेजी से चलने वाला, तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी? है वहीं वहीं घूमती रहेगी। तो ऐसे ही है, हाँ, समान पुरुषार्थी चाहिए और बुद्धि में उनकी पहचान भी चाहिए। तो पुरुषार्थ क्यों नहीं सीखा होगा? तब से तो शुरुआत होगी पुरुषार्थ, हैं? तब से तो सच्ची पुरुषार्थ की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, माना जो बाबा ने बोला कि आने वाले 10 वर्षों में नई दुनिया, स्वर्ग आ जाएगा, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, वो झूठी बात है, हैं? नहीं, तब स्वर्ग की शुरुआत हो जाएगी। माने 76 से स्वर्ग की शुरुआत नहीं हुई, तो नंबर वार की बात है। कोई के लिए सन 76 से ही स्वर्ग है। ब्रह्मा के मृत्युलोक पूरे हो गए। जिस ब्रह्मा का मृत्युलोक 100 साल पूरा हुआ वो कहाँ पहुँचा? अमरलोक, स्वर्ग में। स्वर्ग की अनुभूति बुद्धि कर रही है, खुशी खुशी की अनुभूति कर रही है। कोई आज नहीं तो कल, सन 36 तक भी पुरुषार्थ चलता रहेगा। संपन्न स्टेज अनुभव करेंगे। शरीर रहते रहते कितने 4.5 लाख, और उनमें 4.5 लाख प्रवेश होने वाली आत्माएं भी। और विजय माला में जो आत्माएं है, जो रुद्र माला के समान पुरुषार्थी होनी, तो रुद्र माला की आत्माओं को उनकी परख किस आधार पर होगी? विजय माला वालों की जो पर्टिकुलर आत्मा हमारे आप समान पुरुषार्थी है, रुद्र माला की आत्माएं वो कैसे चेक करेंगी? बुद्धियोग से। राम वाली आत्मा ने कैसे चेक कर लिया? तो सभी आत्मा राम वाली आत्मा से पुरुषार्थ नहीं ना? क्यों नहीं होंगी? बाप समान पुरुषार्थ नहीं करेंगे? बाप समान परीक्षाएं नहीं होंगी? डर गए क्या? अव्वल नंबर है तो उसके बाद जो एक अव्वल नंबर अलग हो गया, उसके बाद कोई अव्वल नंबर होगा ही नहीं, तो अव्वल नंबर निकलते ही रहेंगे। दूसरा निकल गया, फिर जो पहला आएगा वो अव्वल नंबर अपने ग्रुप में। हाँ जी, वो तो मनन चिंतन मंथन की बात है। तो नाम ग्रुप एक होगा। अरे जब पहले को टच हो सकता है तो औरों को टच नहीं हो सकता है? हो सकता है। अभी 2018 में 11 शुरू होगा, ठीक है? तो प्रत्यक्ष की जो फर्स्ट नारायण की आयु बताई सबसे है, जो फर्स्ट नारायण है संगम नारायण, उनकी आयु बताई 175 ईयर। वो तो जन्म लेते ही कहीं 1 होता है। नहीं, तो मुझे पूछना है कि वो 2018 से पकड़ी जाएगी कि 1976 से? 76 से क्यों पकड़ी जाएगी? 76 से। हाँ, प्रैक्टिकल में जीवन में राम वाली आत्मा बाप की आत्मा है। बाप कभी अपने को आगे नहीं करता है। किसको आगे करता है? बच्चों को आगे करेगा। तो पहले बच्चा तो कोई संपन्न बन करके आगे आए कि अकेला ही आगे चला जाएगा? तो बाप बच्चों के साथ है। उनमें पहला बच्चा कृष्ण बच्चा तैयार होना चाहिए। हाँ, तैयार होगा बिल्कुल। 2008 में बोला ना ब्रह्मा से, 2008 में ब्रह्मा से विष्णु बोला। अरे विष्णु पार्टी आएगी बोला ना, विष्णु पार्टी वार्टी वो तो ठीक है, वो तो अभी भी है ही। आएगी क्या? जो चंद्रवंशी होंगे वो अपने चंद्रवंशी की मुखिया को जानते होंगे, क्यों नहीं जानेंगे? जब इस्लाम वंशी मुखिया को, ब्राह्मण को, दुनिया में इस्लाम वंशी मुखिया कौन है, कौन कंट्रोल कर रहा है, नहीं जानते क्या? है बेसिक में जाने, बेसिक में हो या एडवांस में हो, इस्लाम वंशियों का ग्रुप तो दोनों जगह है ना। है जो जिस धर्म का होगा वो उसको मानेगा या नहीं मानेगा। 2025 का तो बाप को ही मान रहे ना सब, जो बाप को तो फिर। हाँ, 2036 की आयु 175 होगी ना? हाँ, जो भी हो। हाँ, तो माना जो अमर लोग कहते तो वो 36 से पहले ही हो जाएगा ना? 150 से भी ज्यादा है, 150 साल से भी ज्यादा आयु। 75 कैसे गिनी? काका का जन्म जो हुआ तब से गिनेंगे या कम से गिनेंगे? 42 से गिनेंगे। क्यों? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76। जब जन्म मानेंगे तभी तो वहाँ उनका जन्म का जो तभी शुरुआत मानेंगे। हाँ, और बाबू छोटी मम्मी आने के बाद आप आते रहेंगे ऐसे नगर पुना? छोटी मम्मी आपके पास आएगी तो हम जरूर आपके पास आ जाएंगे। बाबा आपको जब आया दो बार आए, दो बार आए फिर आए ही नहीं। अभी सर्वव्यापी होने वाला है, फिर हर जगह पहुंच जाएगा। हाँ जी हाँ जी। ये सब पूछने की दरकार ही नहीं, ये तो बेसिक नॉलेज में पूछते हैं दादी से बाबा कब आएंगे। और जो एडवांस वाले हैं अगर पूछते हैं तो समझे कि एडवांस में नहीं है। अगर एडवांस वाले हैं तो पूछेंगे ही नहीं, वो जानते हैं हम जितना बाबा को याद करेंगे बाबा हमारे पास आ जाएगा। जितना बुद्धियों की तीखी चाबी घुमाएंगे बाबा को उसी जगह जाना पड़ेगा। और बिल्कुल ज्यादा याद किया। अच्छा, अहमदनगर में नई आत्माएं कितनी आई हैं जो पहली बार मिल रही हैं? हाथ उठा। 1 2 3 4 5 6 7 7। हाँ जी। हम कहीं के भी हो जो पहली बार मिल रहे हैं, भट्टी के बाद पहले मिल रहे, भट्टी के बाद पहले मिल रहे हैं। अभी जो ग्रुप गया था ना उनमें से ये लोग बताए, अभी जो ग्रुप गया था ना हाँ उनमें से। अच्छा 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 अच्छा। और ऐसे कौन कौन है जिन्होंने भट्टी नहीं की है? एक और सच्चा आदमी एक ही न हाथ उठा रहा है, हैं? एक ही है बस, और सबने भट्टी की हुई है। देख लो इधर उधर आप हैं। अच्छा क्यों नहीं, अरे 25-30 में निकल गई अभी औरंगाबाद में। 25-30 क्या संगठन हो रहा है? हाँ हो गया, उसमें से 10 या 12 लोगों की भर्ती हुई है, बाकी क्या करेंगे। ठीक है ठीक है। हैं 9 जने बच्चे हो गए। हाँ क्या अच्छा अच्छा ठीक है। कृष्ण जब बड़ा होगा तो महाभारी महाभारत युद्ध करेगा। हाँ बड़ा होगा तभी तो अपने बाप को पहचानेगा। छोटा बच्चा कहीं अपने बाप को पहचानता है? कब की बात है, मुझे बड़ा महाभारी महाभारत युद्ध। हो अब अपने हिंदुस्तान में अभी कितने साल के हो जाते हैं तो बालिक मानते हैं। 18 साल के हो जाते हैं तब बालिक माना जाता है। हाँ हाँ वार्तालाप कैसे चली है तो उसकी क्लैरिफिकेशन चल रहा था, कैसे खत्म हो गई। तो बात ये चल रही थी कि देखिए शरीर 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही कंचन मतलब कंचन काया का कौन चल रहा था, तो ऐसे कंचन काया भी 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ तक बात आई, बाकी फिर स्टॉप हो गया। तो बात करा क्लियर करने की कंचन काया 2 प्रकार की किस तरह से। तो उससे पहले वाली कैस्टों में ये बात और क्लियर की गई है। कंचन काया एक होती है मन बुद्धि रूपी आत्मा की। क्या आत्मा के जो वाइब्रेशन है, जिन वाइब्रेशन के आधार पर सूक्ष्म शरीर बनता है, क्या वो सूक्ष्म शरीर जैसे 2 प्रकार का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर 2 प्रकार का शरीर होता है ना, ऐसे ही मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो पहले कंचन बनती है। उसके वाइब्रेशन कंचन बनेंगे। फिर स्थूल रूप में 5 तत्वों के शरीर भी कंचन बनेंगे। पहले कौन होगा? पहले चैतन्य आत्मा ही कंचन बने, बाद में शरीर कंचन बने। शरीर जड़ है, शरीर के 5 तत्व जड़ है, तो जड़ थोड़ा ही समझेगा ज्ञान को, चैतन्य ज्ञान को समझता है। तो प्रकृतिपति वो शिव जब आता है तो प्रकृतिपति को पहले पकड़ता है। क्या किसको पकड़ता है? जो प्रकृतिपति है उसको पहले पकड़ता है। और प्रकृतिपति के जो भी बच्चे हैं उनको भी पकड़ता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जब सब पवित्र आत्माएं बन जाती हैं, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, देह और देह के 5 तत्वों के आकर्षण से परे हो जाते हैं, तब उनका वाइब्रेशन संगठित होकर के 5 तत्वों को भी पवित्र बनाता है। 5 तत्व अपने आप पवित्र नहीं बनते, उनको ज्ञान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? योग चाहिए, स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। और आत्मा कंचन बनी, ये कैसे समझ आएगा? कंचन वाइब्रेशन निकलेंगे, जो उसके नजदीक जाएगा वही चेंज हो जाएगा। और आप अकेले ज्ञान में चल रहे हैं, ये परिवार आपका नहीं है, देह का परिवार। देह का परिवार क्या आत्मा का परिवार? हैं? हैं? आत्मा को आत्माओं के साथ रहना चाहिए, हैं? हाँ, आत्मा को अकेले ही आत्माओं के साथ रहना चाहिए। परिवार के, लेकिन वो लड़की वगैरह नहीं, वो नहीं है क्या बाबा? वो आपके परिवार में नहीं है, वो आपका खून नहीं है। फिर बोला है आपके परिवार के जो भी भांति हैं। तो माता पिता भांति नहीं होते हैं परिवार के। फिर परिवार में जो भी होते हैं उन सब के लिए बोला है, जो भी परिवार के भांति हैं वो सब आएंगे। वरदान दिया है, वरदान मिला हुआ है एडवांस वालों को खास। घर में मुरली सुनने का टाइम में आपका घर में सुनना तो चल रहे। हाँ, मुसलमान लोग कहते हैं कि घर में नमाज पढ़ लिया तो 1 गुना फल होगा, अगर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ली तो 10 गुना फल होगा, अगर जामा मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ी तो उसका भी 10 गुना माने 100 गुना फल होगा। छुट्टी होती 10 बजे रात को, सुबह जाना पड़ता है 5 बजे जाना पड़ता है। रात को 10 बजे छुट्टी होती है और सुबह 5 बजे जाना पड़ता है, माने 7 घंटे की छुट्टी होती है, बाकी काम काम तो महाशत्रु हो गया तुम्हारा, है? हाँ, हमारे घर में भी भाई तो रात ही नहीं, घर में तो हम तरह करता है। कौन घर वाले ज्ञान में नहीं आते? तो कोई बात नहीं, तालियां बजाओ, हम राजा बनेंगे वो प्रजा बन जाएगी। हैं? हाँ, अभी उनका राज्य तुम्हारे ऊपर चल रहा है, अभी उनका राज्य तुम्हारे ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फिर तुम राजा बन जाओगे तो वो प्रजा बनेगी। चलेंगे चलेंगे चलेंगे। क्या बोलते हैं तुम्हारा साता भी निराकार देखा ना, तुमने ऐसा समझ देखा क्या डब्लू हाथ में लगाए थे तुम्हारा, हमको बता दो हम आएंगे वैसे नहीं आएंगे तुम्हारा, हम सुनेंगे भी नहीं ऐसी बोल रहे थे ये मेरी माता जी सब कुछ सुनाया तुमने ऐसा चलकर तुमने देखा कड़क हाँ शंकर साकार में निराकार शिव शंकर ये शंकर में शिव आया ऐसा देखा कड़क डमरू बजाने वाला आगे उनको बता हमसे ज्यादा तुमको दिखाई पड़ता है उनको बताना हमको तो ज्यादा नंगा नहीं दिखाई पड़ता है लेकिन आपको तो पूरा ही नंगा दिखाई पड़ता है 24 घंटे वही सोचते रहते हैं कि आगे चलकर बाबा तुम बच्चे को ऐसा तौर तरीका बताएंगे हैं, ऐसा तौर तरीका बताएंगे हाँ कि तुम बच्चे को सौरभ जन्म के हो जाएंगे, तुम बच्चों को सौरभ जन्म का पाठ पढ़ना पड़ेगा ठीक है। तो तौर तरीका क्या है हैं? कब बताएंगे तौर तरीका? तौर तरीका अभी नहीं बता रहे, अभी भी बता रहे हैं, पता पड़ने वालों को अभी भी पता पड़ रहा है क्या? अगर नहीं पता पड़ रहा है तो रामकृष्ण की आत्मा को पता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। आज हाजिर इसमें साइन नहीं हुए हैं? हाँ यहाँ का रजिस्टर कहाँ गया? ये चलो